चंडीगढ़ सेक्टर 45 स्थित पार्किंग की समस्या को लेकर मार्केट एसोसिएशन ने मीटिंग रखी। इस दौरान डीएसपी ट्रैफिक हरजीत कौर, साथ ही एरिया पार्षद कंवर पाल राणा भी मौजूद रहे, जहां उन्होंने लोगों और दुकानदारों की समस्याएं सुनी। दुकानदारों का कहना था कि कस्टमर हमारी दुकान में आता है तो अपनी गाड़ी रोड साइड पर पार्क करता है, जहां ट्रैफिक वाले बाद में आकर उनकी गाड़ियों में क्लैंप लगा देते हैं और चालान कर देते हैं, जिसके बाद कस्टमर फिर दोबारा वापस नहीं आते। तो सर, आज का जो ये पूरा सेशन रहा जो डीएसपी मैडम भाई, तो ये किस चीज़ के रिगार्डिंग था पूरा, ये मुद्दा क्या था? मैं बलजिंदर सिंह गुजराल, अध्यक्ष केशवराम कॉम्प्लेक्स वेलफेयर एसोसिएशन, और आज जो मुद्दा था ये संयुक्त पूरे बड़ैल के जो व्यापारी हैं, साथ में कपिला जी खड़े हैं, ये बार मार्केट के प्रधान हैं, न्यू एकता मार्केट के, ऐसे और भी दो तीन एसोसिएशन इकट्ठी होके जो बड़ैल में आ रही है पार्किंग की समस्या, उसको लेकर के आज मीटिंग रखी गई थी। ट्रैफिक डीएसपी मैडम हरजीत कौर और एसएचओ चौकी इंचार्ज के साथ में, जो हमारे मेन समस्या है, हमें दो साल से बड़ैल में पार्किंग की समस्या आ रही है। जो हमारे कस्टमर आ रहे हैं, जो उनके गाड़ियों के चलान हो रहे हैं, क्लैंप लग रहे हैं या गाड़ी टो करके ले के जा रहे हैं, उससे समस्या आ रही है। क्योंकि हमारे जो कस्टमर, हमारे पास जो ग्राहक आ रहे हैं, उनका एक बार चलान हो जाएगा तो हमारी मार्केट की ओर रुख नहीं करता। आज बड़ैल में यही स्थिति है पूरे बड़ैल में, कि एक बार जिसका चलान हो गया वो दोबारा गाड़ी लेके यहाँ नहीं आएगा। उस मुद्दे पे आज ये मीटिंग रखी गई थी। तो उसका कुछ निष्कर्ष निकला कि नहीं निकला? निष्कर्ष हमारे बीच में, हमारे पार्षद और सीनियर डिप्टी मेयर कंवर राणा जी भी थे, तो काफ़ी विषयों पे चर्चा की गई, उस पर सहमति भी हुई। जो हमें दिक्कत आ रही है उन्होंने आश्वासन दिया ठीक करेंगे, और जो फेस्टिव सीजन में हमें यहाँ पे 3 जगह दी गई है प्रशासन की ओर से, वो भी मैडम ने बताया, एक स्कूल है, मंडी ग्राउंड है, उसका भी बताया, भी हमें 3 जगह वो पार्किंग जो है 14 तारीख तक मुहैया कराई गई है। साथ ही दुकानदारों ने कहा कि पार्किंग के लिए कोई उचित जगह भी नहीं है। इसके बाद डीएसपी ने इनकी समस्याएं सुनी और उनकी समस्याओं पर क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। ये नॉर्मल, ये जो यहाँ के शॉपकीपर्स है, इन्होंने अपनी जो ट्रैफिक को रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थी वो बताई हमें। तो फेस्टिव सीज़न है दिवाली की वजह से, फिर हमने भी इनको बताया कि फेस्टिव सीज़न में यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्किंग की परमिशन मिली हुई है। जैसे 2 ओपन ग्राउंड्स हैं यहाँ पे, उनकी परमिशन है, एक स्कूल है, उसकी पार्किंग की परमिशन है। तो हम लोगों ने डॉक्टर अपना, ये जितने भी व्यापारी हैं, इनको रिक्वेस्ट की है भी आप लोग भी लोगों को, जो आपके कस्टमर्स आते हैं उनको गाइड कीजिए, और हम भी अपनी तरफ से यहाँ पे डायरेक्शन बोर्ड्स लगाएंगे, ताकि जो पब्लिक सही तरीके से जो परमिटेड पार्किंग एरियाज है वहाँ पे अपनी गाड़ियाँ खड़ी करें और ये फेस्टिव सीजन हमारा स्मूथली चल जाए। इसके बाद एरिया पार्षद ने क्या कुछ कहा वो भी सुन लिए। सर, आज की जो समस्या है उसको लेकर के क्या कुछ निष्कर्ष निकला, क्या कुछ कहना है? आज हमने ट्रैफिक पुलिस को भी कहा है कि वो भी कुछ सजेशन अपनी तरफ से दे, और जो हमारी तरफ से प्रयास हो सकते हैं वो हम लगातार कर रहे हैं, और बहुत जल्दी इस एरिया के लिए एक नई पार्किंग जो है वो हमने कहा है कि नई पार्किंग बनाई जाए, और जहाँ पर गाड़ी पार्क हो सकती है बिना पार्किंग के, जो ऐसी जगह थी जहाँ पर पिछले कई वर्षों से पार्किंग हो रही थी, हम उसके बारे में भी सोच रहे हैं कि जल्द से जल्द। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।